राधे राधे। अरे मेरा राधे क्या कर रहा है? कुरकुरे खा रहा है। और अभी शाम हो चुकी है, 4 से ऊपर हो गया है टाइम। ईशान आज सोया नहीं है और दादी उधर लेटी हुई है। ईशान को बोल रहे हैं कि ईशान साइंस का बुक कॉपी लेते हो बेटू, ताकि रिवाइज हो सके, ताकि रिवाइज हो सके, ताकि रिवाइज हो सके। ईशान सोया हुआ है मेरे पेट पर। तो ये है मेरा बच्चा जो आज एकदम, कितने घंटा टीवी देखा है बेटा? कितने घंटा टीवी देखा है बताओ जरा। नहीं पता? सवा 5 हो रहे हैं और हम और ईशान जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बाहर, कुछ सामान लाना है घर का, तो निकलना जरूरी है। कुछ अपना भी सामान लेना है, धूप इतनी है ना अभी भी। ईशान को बोले चलो साथ में, तुम भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनके लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, तो ऐसा नहीं है। हर किसी के लाइफ में ना अगर आप जानेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। और इतनी सही कह हाँ आप रही सही कह, मेरा बेटा बोल रहा है आप सही कह रही हैं। और इतनी परेशानियां हैं कि मतलब आदमी किससे क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब जिम्मेवारी का बोझ आपके कंधों पर हो तो आप उसको रो कर नहीं निभा सकते, आपको उसको हंस के ही निभाना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने जिम्मेवारियों को ढोना तो है ही, पूरा करना ही है, तो हंसते हंसते कीजिए। और ईशान हंस रहा है। तो हम माँ बेटा थोड़ा सा घूम टहल कर आते हैं, धूप तो बहुत है, गर्मी बहुत है। चलिए देखिए आप लोग भी कहाँ हम लोग जा रहे हैं। आलू प्याज तो बिकता है, आलू प्याज के अलावा भी और इम्प्रूव किया है। बहुत दिनों के बाद मास्क लगा के जा रहे हैं तो हम लोग बाल गोपाल से मिले। ईशान तो मास्क लगा के जाता है और हम तो घर पे रहते हैं तो मास्क नहीं लगाते, तो आज बहुत दिनों के बाद मास्क लगाने पे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है मम्मी को। अब आपको तो अनकंफर्टेबल लगेगा और लगेगा। क्यों बेटा? वो देखिए उनको क्या कर रहा है, देखो उनको। तो वो पार्ले जी खिला रहे होंगे सारे पपी को इकट्ठा करके, डॉगी को। ए साइड से चलना सामने। महिंद्रा का गाड़ी जी जा रहे हैं महिंद्रा। साइड से चलो तुम। यहाँ सारा डॉगी खा रहा है पार्ले जी। नहीं इस गाड़ी का नाम क्या है? देखो पता नहीं टाटा का है क्या है मालूम, टाटा का है लेकिन लोगो टाटा का है, टाटा पीडियन। और ईशान भी ना पूरे रास्ते बात करते जाता है, इसी तरह से ईशान के पापा भी जहाँ भी जाते थे ना तो पूरे रास्ते बात करते जाते थे। हम बोलते थे बाइक वाइक पे, ईशान बोला हम कुछ भी बोलते थे तो आपको पापा का याद आता है। सही है, मतलब बहुत 90% उस ईशान का सारा लक्षण पापा वाला ही है। 90% पूरा 100% तो अभी नहीं पता है, बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा। ये देखिए कैसे कैसे चल रहा है। पास में ही जाना था तो ईशान को बोले कि अपना स्लीपर ही डाल लो, और ईशान आगे निकल गया है। अभी हम लोग पीछे जहाँ से गुजरे वहाँ पर तबेला था, तो ईशान बोला गांव का याद आ गया तबेला के गोबर के स्मेल से। देखना ईशान यहाँ पर, और आज मास्क पहनकर इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है। अभी कुछ देर पहले हम मनीषा रानी का कुछ वीडियो देख रहे थे तो उसका एक रील याद आ रहा है ना। मेरा बेटा पसीने पसीने हो गया।
और मेरा मास्क उतर गया है क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए सामान ढोते ढोते। इनको सिर्फ पूरे रास्ता चॉकलेट खाना है और कुछ नहीं करना है, और मम्मी को इतना बड़ा थैला ढोना है, भारी हैवी। और ईशान मम्मी का हेल्प बिल्कुल नहीं करता है। जब आप अकेले हो और आपको संघर्ष करना पड़े तो आप कर भी लें, लेकिन आपके साथ जब छोटा बच्चा हो और संघर्ष इतना बड़ा हो तो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिर मन में ये भी लगता है कि कहीं परवरिश में कोई कमी न रह जाए उसके, कहीं बड़े होकर वो ये ना बोले कि आप ये कर सकती थी मेरे लिए लेकिन आपने नहीं किया। तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, और फिर हौसला अंदर से जगाए हैं कि नहीं, पिछले बार भी दिए थे, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो मन काफ़ी, मतलब होता है ना कि टूट जाता है दिल, तो ऐसा हो गया था मेरा सिचुएशन। लेकिन फिर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं और पीसीएस का एग्ज़ाम इस बार हम फिर से दें पूरी तैयारी के साथ, तो उसमें फिर से हम लगेंगे ताकि अपने तरफ से हम कोई मौका ना चूकें, क्योंकि कोई नहीं जानता ना कि कब किसके किस्मत में क्या लिखा है, क्या होने वाला है। तो बस यही है, संघर्ष जिंदगी से चल रहा है। और आज हम दोनों माँ बेटा गए हुए थे मार्केट, थोड़ा सब्जी मंडी में भी काम था, मतलब कुछ लेना था, और ग्रॉसरी स्टोर भी जाना था, तो वहाँ भी गए हम लोग। एक होता है ना, ईशान सामान तो नहीं उठा सकता, बच्चा है छोटा, लेकिन जब वो साथ में चलता है ना तो काफ़ी हिम्मत मिलती है, एक प्यारा सा नन्हा सा हम सफर बन के। तो यही है हमारी ज़िंदगी, हम दोनों माँ बेटा की। संघर्ष बहुत है लेकिन उसमें छोटी छोटी खुशियाँ भी हैं जिनको समेटना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोग को भी इसीलिए हमेशा से हम कहते रहते हैं कि हमेशा खुश रहिए, और अपने आसपास जो भी लोग हैं ना उनके साथ खुशियाँ शेयर कीजिए। कभी भी कल पे अपनी खुशियों को मत डालिए, या कोई भी चीज़ ऐसी है कि आज नहीं चलो कल कर लेंगे, या कहीं जाना है कहीं, मतलब छोटी छोटी खुशियों को भी ना समेट लीजिए। आज का आज कीजिए, कल पे कोई चीज़ मत डालिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा ही नहीं होता, कल क्या होगा, किसके साथ क्या होगा। खैर, इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग के साथ अच्छा होगा और सभी लोग खुशी के साथ रहेंगे, और मैं भी अपने बेटे के सपनों को पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि उम्मीद के सहारे ही तो दुनिया चलती है, हम भी चलते हैं। तो चल, आज के ब्लॉग से लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।